अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया भर में महंगाई बेकाबू होने की खबरें आ रही हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो कई देशों ने गेहूं, चीनी, तेल, मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध ने महंगाई को और बढ़ा दिया है। भारत में डीजल, पेट्रोल के साथ ही जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले नींबू, फिर टमाटर के दाम में 3 गुना बढ़ने की खबर है। वहीं टमाटर की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो टमाटर की कीमत का ग्राफ एक महीने में 3 गुना ऊपर उछाल लगा चुका है। वहीं इसकी एक बड़ी वजह सप्लाई में कमी होना माना जा रहा है। कई शहरों में 1 किलोग्राम टमाटर का भाव 100 रुपए के भी पार पहुंच चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 40 से 70 रुपए के बीच बनी हुई है। वहीं महंगाई के साथ ही कई देशों की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल में मांस की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं यूरोप के देशों में गेहूं, तेल और रसोई ईंधन की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो सिंगापुर में मांस के दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ है, क्योंकि मलेशिया ने चिकन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दी है। वहीं मलेशिया घरेलू खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देने और सुरक्षित भंडारण रखने के तहत यह कदम उठाया गया है। वहीं मलेशिया के इस कदम से पड़ोसी सिंगापुर में संकट पैदा होने की संभावना है, जहां चिकन चावल एक राष्ट्रीय व्यंजन है। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि 1 जून से मलेशिया घरेलू कीमत और उत्पादन स्थिर होने तक 1 महीने में 3.6 मिलियन चिकन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। वहीं दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई के पीछे विशेषज्ञों ने खास कारण बताया कि पहला, कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में लंबे समय तक उत्पादन बंद रहा, जिससे जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ गए। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध और 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उसी वक्त ये जाहिर हो गया कि लड़ाई का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। वहीं युद्ध की वजह से जर्मनी में कीमतों को तेज़ी से बढ़ते देखा जा सकता है। जर्मनी में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और गैस के दाम 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जर्मनी के लोग सामान जमा करके रखना पसंद करते हैं। वो बाहर जाकर बहुत सारा गेहूं, सूरजमुखी का तेल और टॉयलेट पेपर ले आए हैं, जैसे कि महामारी के दौरान किया गया था। यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं, तेल और रसोई ईंधन की कीमतें भी बढ़ गई हैं। वहीं सेनेगल इस दिक्कत से जूझता इकलौता देश नहीं है। भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोगों के सामने बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू बजट संभालने की चुनौती है। बीते साल अमेरिका का केंद्रीय बैंक एक अजब समस्या से जूझ रहा था। कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटाते ही देश में कीमतें बढ़ने लगी और बैंक के सामने ये सवाल था कि क्या स्थिति संभालने के लिए उसे कदम उठाने चाहिए। वहीं आम तौर पर जब कीमतें तेज़ी से ऊपर जाने लगती हैं, तब केंद्रीय बैंक कर्ज लेने की दर बढ़ा देते हैं, ताकि लोग सामान खरीदने के लिए कर्ज लेने बंद कर दें। इससे मांग में कमी आती है और कीमत स्थिर होने लगती है। लेकिन अमेरिका के फेडरल रिजर्व और तमाम दूसरे केंद्रीय बैंकों की राय थी कि अर्थव्यवस्था जैसे ही पटरी पर लौटेगी, महंगाई छू मंतर होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक साल पहले से तुलना करें तो हम कई देशों की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज वृद्धि देख रहे थे। वहीं 2020 में जब कोरोना महामारी फैल रही थी, तब अर्थव्यवस्था की तरक्की से लेकर महंगाई तक सब कुछ बहुत नीचे चला गया था। लॉकडाउन के दौरान लोग ना के बराबर खर्च कर रहे थे, ऐसे में उस वक्त महंगाई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बीते साल के
आखिरी तक कीमतें स्थिर हो जाने की उम्मीद टूटने लगी। इस साल की शुरुआत से महंगाई ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब महंगाई रोकने की बजाय दर बढ़ाने और ग्रोथ रेट पर इसके संभावित असर के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश हो रही है। ये बड़ा पेचीदा काम है, क्योंकि आप सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं। आप यकीन से नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।